हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। एक्सट्रीमली सॉरी कि पता नहीं कहाँ पे क्या अटक जाता है, कुछ हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी का ऐसा मुंह देख लेते हैं या किसी के बारे में सोच लेते हैं ना कि दिन ही ख़राब होता है, तो वैसी वाली शायद सिचुएशन आज मेरे साथ में हुई है। तो सुबह सुबह ही दिन खराब हो गया है, कोई बात नहीं, इट हैपेंस, कई बार ऐसा होता है। तो करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत। रिकॉर्डेड मोड में आज ये आपका क्लास है, बट अपना जैसे बाकी क्लासेस होते हैं लाइव, वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपको मालूम है कि न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह होगी, उसके साथ में आपका जो वन लाइनर का सेक्शन होगा वो भी आपका कवर किया जाएगा। नोट्स अपने साथ में बनाते चलना, ये मत सोचना कि क्लास में हमने आज रिकॉर्ड कर दिया तो फिर नोट्स ही नहीं बनाने, ऐसा कुछ नहीं है, नोट्स बनाते चलिएगा। आप सबने आंसर किया था, वेल एंड गुड, इसी तरीके से अपने आंसर्स की जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखिएगा। ओके, यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा सा थॉट लिख के मेरे को भेजा था, पढ़ना बंद ना करें क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी ज़िंदगी आपको रिटर्न देता रहेगा, ठीक है। तो बस इसी थॉट के साथ में शुरुआत करते हैं। और हाँ, कल है फ्राइडे, तो कल फ्राइडे को आपके जो स्पेशल क्लासेस लगे हैं आप एक बार से देख लो। ये तीन क्लासेस हैं और ये तीनों क्लासेस आपके कल लाइव रहेंगे। आस्क मी एनीथिंग का पार्ट टू रहेगा, उसके बाद में आपके जितने प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं ग्रुप डी और एमटीएस के अंदर, उसका क्लास भी आपका कल यूट्यूब पे रहेगा। और साइंस एंड टेक, यानी कि ये कल तीन क्लास आपके यूट्यूब पे रहेंगे, लेकिन कोई कल स्पेशल क्लास आपका नहीं होगा। स्पेशल क्लासेस आपके कब होंगे, सैटरडे को होंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वदेश दर्शन, अब आज थोड़ा सा नेट इशू कर रहा है, तो देख सी कि ये वाला क्लास होता है कि नहीं होता है, अदरवाइज अपने 2 बजे का क्लास तो हो गई होगा। ओके, शुरुआत करेंगे यहाँ से। सबसे पहले जो एक न्यूज़, छोटी सी न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर, तो हमें एक बार से मालूम होना चाहिए। 5th of May, ये जो 5 मई का दिन होता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में। किस रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एक तो मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं कि मतलब मैंने ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप कर दिया है कि क्लास अभी रिकॉर्डेड भेजेंगे, उसके बाद भी अलग से मैसेज करेंगे, मतलब ग्रुप नहीं देखेंगे। भाई ग्रुप देख लिया करो, अगर कभी ऐसा कुछ भी अटकता है एक बार से टेलीग्राम चेक कर लिया करो। मैं ग्रुप पे खुद ही मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ, मुझे भी पता है आपका समय बहुत कीमती है, ठीक है, तो एक बार चेक कर लिया करो। ओके, 5th of May वर्ल्ड हाइजीन या फिर वर्ल्ड हाइजीन हैंड डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी इस बार की थीम क्या है, इसकी थीम है अचीविंग हैंड हाइजीन, बस इतना याद रखना, अचीविंग हैंड हाइजीन। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसा क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ खास है क्या? अरे आपको भी पता है कि कोरोना की वजह से हर जगह पे आप देखेंगे तो लिखा जाता है हाथ धो, है ना, और आजकल तो लोग बड़ी सारी चीज़ों से हाथ धोते फिर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, कोई अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठा है, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से हाथ धो बैठा है, तो वो वाला हाथ धो भी रहे हैं लोग, और यहाँ पे कोरोना की वजह से भी लोग हाथ धो रहे हैं। स्पेशली अगर आपसे पूछा जाता है कि हैंड वॉश डे यहाँ पे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये होता है 15th of October को, और 15th of October की जो डेट है वो तो आप जानते ही हैं, APJ अब्दुल कलाम जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, ठीक है। आ जाओ पहली न्यूज़ पे। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो यहाँ पे जुल्फो वाले अंकल के बारे में है, मोदी एंड जॉनसन वर्चुअल समिट। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि ये जो वर्चुअल समिट हुई है UK और इंडिया के बीच में, इसमें से क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं, क्योंकि इसने पूरा एक रोड मैप तैयार करके दिया है। सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट कौन सा है, इट विल एलिवेट बायलेटरल टाइज टू द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि ये जो दोनों लोगों के बीच में पूरा एक बैठक हुई है जो वर्चुअल फॉर्म में थी, यानी कि कोई गया नहीं था, ठीक है, वर्चुअल फॉर्म में ही थी, और इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर फोकस किया गया है कि हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर अपनी पावर को कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर फोकस करेंगे, बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा लिखा हुआ है कि यूके और इंडिया जो है ये अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा हेल्थ सेक्टर में, क्लाइमेट में, ट्रेड में, एजुकेशन में, साइंस एंड टेक में, एंड डिफेंस में, बिल्कुल सही लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। अब आइए पूरी कहानी समझते हैं, ठीक है, कैसे लग रहे हैं ये, ओह माय गॉड, थोड़ा सा चीक्स पे ऐसे रेडिश वाला भी करना पड़ेगा। खैर पॉइंट पे आओ, देखिए रोड मैप जो तैयार किया गया है, इस रोड मैप का टारगेट रखा गया है 2030, यानी कि जितनी भी चीज़ें करी जाएंगी जो अभी से शुरू होगी उसको अचीव कब तक किया जाएगा, 2030 तक उसको अचीव कर लिया जाएगा। तो क्या अचीव किया जाएगा, देखिए 4th of May 2021 को ये जो बैठक का आयोजन किया गया ये वर्चुअल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेगी। सेकेंड पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि इसके अंदर क्या कहा गया है, सबसे पहला पॉइंट बोला है कि जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है वहाँ पर हम अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। दूसरी बात बोली गई है यहाँ कि जो कोविड इतनी तेजी से भारत में बढ़ रहा है उसके लिए अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होगी इंडिया को तो यूके वो हेल्प करने के लिए तैयार है।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहा है कि ट्रेड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1 बिलियन, ध्यान से 1 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग जो है वो यहाँ पे दिया गया है यूके के द्वारा, और इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा दोनों देशों के ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा इसमें एक और डिस्कशन किया गया है, वो ये है कि जो अपकमिंग G7 है इसका जब आयोजन किया जाएगा, अभी ये जून के टाइम पे इसका आयोजन होना है, अब देखो होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और होंगी। मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको मालूम है G7 के अंदर इंडिया जो है वो एज अ गेस्ट के रूप में जा रहा है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और मैंने आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी, वो थी जीजा जी कई बार कहाँ गए, फ्रांस गए, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसमें इन्होंने ये सारी बातें तो कर ली, ओ एम जी व्हाट अ बाल, है ना, चलिए। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने एक बात और कही है, वो एक बात क्या है वो भी बता दें। इन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ साथ हैं, हाँ ऐसे ही बोला है, हम भारत के साथ साथ हैं, इन्होंने ऐसा कहा है। और ये भी कहा है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इसको भी और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। चलो ठीक है, बहुत सारी बातें इन्होंने कह दी। अब आते हैं हम मैप पे और ज़रा एक बार से इसकी लोकेशन देखते हैं। यूके का मैप आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना, और इस यूके के मैप में अगर आप देखोगे तो स्कॉटलैंड नज़र आ रहा है, इंग्लैंड दिख रहा है, वेल्स है, और साथ में नॉर्थ आयरलैंड है। ये वो चार देश हैं जो किसका हिस्सा है, यूके का हिस्सा है, और जो आयरलैंड है वो अब अलग एक देश बन चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ है नॉर्थ सी, और इधर की तरफ क्या है, नॉर्वे, ये है डेनमार्क, और यहाँ पे आपको नीदरलैंड मिलेगा। क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है, नॉर्वे और यूके के बीच में कौन सा सी है, डेनमार्क यूके के बीच में कौन सा सी है, नीदरलैंड और यूके के बीच में कौन सा सी है, आप आंसर करेंगे नॉर्थ सी। और यहाँ नीचे की तरफ देखोगे तो आपको स्ट्रेट ऑफ डोवर देखने को मिलता है, जो कि नॉर्थ सी को किसके साथ में जोड़ता है, इंग्लिश चैनल के साथ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आइए कुछ सवाल यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद में आगे चल के कुछ और भी बातें हैं जो आपके साथ में डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ के साथ में। बेरेंट सी, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ये आपको आर्कटिक ओशियन में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, ड्राइवरलेस कार अभी हाल ही में कौन से देश के अंदर शुरू करी गई है, तो आपको बता दें अर्थ ओवरशूट डे तो एक मनाया जाता है, लेकिन अर्थ ओवरशूट अवार्ड जो स्टार्ट किया गया है वो अवार्ड क्लाइमेट चेंज के लिए यहाँ पे दिया जाएगा किसको, कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जो अच्छा काम करता है यूके के अंदर उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो जो ड्राइवरलेस कार की यहाँ पे बात करी जा रही है ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, यूके के अंदर इसकी शुरुआत करी गई है। अगला, नॉर्थ सी जो है ये कौन से ओशन का पार्ट है, तो अभी हम लोगों ने मैप में देखा था नीचे की तरफ इंग्लिश चैनल था, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कौन सी जगह होगी, वो हो जाएगा अटलांटिक ओशन, ठीक है। अगला, इंडिया और यूके के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो भैया टाइगर ट्राइम जो है वो यूएसए के साथ है, ये चाइना के साथ है, अजय वॉरियर इज द राइट आंसर, क्योंकि युद्ध अभ्यास जो है ये किसके साथ में होती है, यूएसए के साथ में इसको कंडक्ट किया जाता है। अब सुनना यहीं पर, एक्सरसाइज की तो बात हो गई, लेकिन आप ये जानते हैं कि G7 2021 की जो है इसका आयोजन इस बार कहाँ होगा, यूके के अंदर होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि COP26 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो उसका आयोजन भी आपको यूके के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब देखो एक न्यूज है ताइवान से जुड़ी हुई, क्यों हम इसको कवर कर रहे हैं, देखिए ताइवान कोई बहुत बड़ी कंट्री तो है नहीं, आप भी जानते हैं, और यहाँ पे ताइवान की जो लोकेशन है वो बिल्कुल चाइना के बगल में, राइट, ये आपको यहाँ पे ताइवान मिलेगा, और चाइना जो है वो ताइवान को अपने हिस्सा मानता है, वन चाइना पॉलिसी यूज करता है। अब चाइना तो छोड़ो, ताइवान ने इंडिया की हेल्प करी है और इंडिया के लिए यहाँ पे भेजा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और ऐसा पहली बार हुआ है कि ताइवान की तरफ से कोई मेडिकल एड आई है। मेडिकल एड अगर आप देखें तो इसराइल की तरफ से भी आ रही है, काफ़ी सारी कंट्रीज की तरफ से आ रही है, लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो हैं वो अभी हाल ही में कहाँ से आए हैं, ताइवान से आए हैं। और अगर देखा जाता है एशिया के अंदर, एशिया में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है, तो हम बोलते हैं चाइना है, राइट, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एशिया की जो 5वें नंबर की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो कौन सी है, दैट इज ताइवान। जी हाँ, सुन के थोड़ा शॉक लगेगा, बट हाँ दिस इज अ रियलिटी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जहाँ ताइवान की लोकेशन है, यहाँ पे आपको फर्मोसा आइलैंड देखने को मिलता है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो सेकेंड न्यूज पे आते हैं, मे फ्लावर 400, ये क्या है, इसको सुन के ऐसा वाला फील आ रहा हो ना, कोई फूल वूल का नाम है, भैया ये कोई फूल नाम नहीं है, सवाल पूछ रहा है व्हाट इज मे फ्लावर 200, तो ये क्या है, एक आर्टिफिशियल शिप है, क्या है ये, कि आर्टिफिशियल शिप है जिसमें आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब आओ समझते हैं कि क्या है, कुछ ऐसी है, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है ना, आ जाओ इसके बारे में बात करते हैं। देखिए
हुआ क्या है कि पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में शिप बनाई गई है, और बड़ी बात तो ये है कि ये अनमैंड है। अनमैंड का मतलब ये हो गया कि इसके जब इसको चलाया जाएगा ना, तो इसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा, इसको रिमोट कंट्रोल किया जाएगा। जैसे बचपन में आप लोगों ने वो रिमोट वाली कार चलाई होगी ना, बिल्कुल वैसे ही इसको कंट्रोल किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, ये कितने मीटर लॉन्ग है, तो ये 15 मीटर लॉन्ग है, और इसका जो वेट है वो कितना है, वो करीबन 9 टन के आसपास बताया गया। अब सवाल ये बनता है क्यों बनाई गई है, करेगी क्या। देखिए, इसको अटलांटिक ओशियन में अभी टेस्ट किया गया है, और इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि अंडर सी यानी कि अगर कोई भी समुद्र होता है तो उस समुद्र के अंदर कितनी गंदगी हुई है, कितना ज़्यादा वहाँ पे प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हुआ है, या फिर वहाँ पे कितना ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन हुआ है, उन सब का पूरा डेटा कलेक्ट करेगी कौन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली शिप। सेकेंड पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, तो फिर मैम ये बनाया किसने, तो आपको यहाँ पे बता दें, प्रो मोर नाम की एक कंपनी है, और इसके साथ में IBM जो कि US की कंपनी है, इन दोनों लोगों ने इसको मिलकर बनाया है। तो क्या सारा पैसा इन्होंने लगाया, नहीं, इसके अंदर इंडिया ने भी पैसा लगाया है, सिंगापुर ने भी इसके अंदर पैसा लगाया है, और स्विट्जरलैंड ने भी इसके अंदर पैसा लगाया है, और US की तो कंपनी है, तो ऑब्वियसली बात है कि US ने तो पैसा लगाया ही होगा। तो ये चार कंट्रीज हैं जिन्होंने इसके ऊपर क्या किया था, पैसा लगाया था। अब ये बनके तैयार हो गई है और इसको अटलांटिक ओशन में छोड़ दिया गया। अब ये क्या करेगी, पूरे अटलांटिक ओशन में घूमेगी और मॉनिटर करेगी कि कहाँ कहाँ पे पॉल्यूशन है, कैसा पॉल्यूशन है, किस टाइप का पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ों का डेटा ये इकट्ठा करेगी। तो फिर मैम इसको चलाएगा कौन, सही बात है, इसको चलाने के लिए एक टीम बनाई गई है, और वो टीम कहाँ पे बैठी हुई है, इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन में उतारी गई है ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि पास में जो कंट्री होगी वही यहाँ पे क्या करेगी, इसको चलाने का काम करेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक मज़ेदार बात बताएं, आप कहेंगे कि मैम ये तो बनी हुई है, ये हम देख सकते हैं, ये पानी के अंदर भी जा रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये देख रहे हो, ये क्या है, दीज आर सोलर पैनल्स, इसके ऊपर क्या लगे हैं, सोलर पैनल्स लगे हैं, जिसकी सहायता से ये क्या कर रही है, चल रही है। मतलब समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा आजकल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, और ये कैसा है, अनमैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। IBM का देखो लोगो भी इसके ऊपर लगा हुआ, ठीक है, तो दिस इज जस्ट लाइक अ वॉयज की तरीके से काम करेगा। अब देखो जरा एक बार से हम मैप में आ जाते हैं और यहाँ पे जरा लोकेशंस देख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी होता है ना। देखो यहाँ पे लोकेशंस में अगर आप देखोगे, नॉर्थ सी अभी मैंने आपको बताया, ये जो अटलांटिक ओशन की आप लोकेशन देख रहे हो, यही वाली वो लोकेशन है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, जिस जगह पर क्या चीज़ है, जिस जगह पर इसको उतारा गया, और यही इंग्लैंड वाली जो लोकेशन है, ये वाली जो लोकेशन है, यहाँ पे बैठ के टीम जो है वो उसको क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। चलो बहुत अच्छी बात। अब सुनिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे पहली ऐसी कौन सी पर्सनालिटी थी, ऐसे कौन सी व्यक्ति थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, आरती शाह इज द राइट आंसर। और अगर आपसे कहा जाए कि कौन से ईयर में, तो 1959 में इन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया था। दूसरी न्यूज आने से पहले या दूसरा पॉइंट डिस्कस करने से पहले, जो ये इंग्लिश चैनल है, ये आपने मैप में देखा हुआ है कि अगर आप इसकी लोकेशन को देखोगे तो ये आपको दो कंट्रीज के बीच में मिलती है, UK और फ्रांस, तो ऑब्वियस ही बात है कि इनका डिस्टेंस कितना होगा, तो 33.3 किलोमीटर इसका क्या होगा, दूरी होगी, इसका डिस्टेंस होगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो सबसे निम्न बिंदु है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, चैलेंजर्स द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला, एस शेप्ड ओशियन कौन सा है, तो एस शेप्ड ओशियन जो है वो अटलांटिक ओशियन है, और यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा, नेत्रा का नाम आपको याद है, ये सबसे पहली सेलर बनी है इंडिया की तरफ से, जिसने क्या किया है, क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए। अब ओलंपिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं, वो तो बात की बात है। अगला, डीपेस्ट ओशियन कौन सा है, सबसे ज्यादा गहरा आपको महासागर कौन सा मिलता है, तो आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन, सबसे छोटा ओशियन आर्कटिक ओशियन, तो ये आपको क्या करना है, रट्टा मारना है, ठीक है। अगली न्यूज जुड़ी हुई है यहाँ पे, मुंबई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर फॉर 45+ स्पेशली, कुछ समझ में आया, बहुत ही अच्छी चीज है, आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मुंबई के अंदर अभी हाल ही में शुरुआत करी गई है वैक्सीनेशन के लिए, और वैक्सीनेशन में एक अच्छा सा प्रोसेस ढूंढा गया, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये स्पेशली किसके लिए है, जिनकी एज 45+ है, यानी कि जिनकी एज जो है वो 45 से अगर ज़्यादा है, तो उनके लिए यहाँ पर क्या किया गया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया।
सवाल में पूछा जा रहा है कि मुंबई में कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है, तो आंसर हो जाएगा दादर के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। अब देखना और समझना, देखो क्या हुआ है, हम लोग वैक्सीनेशन के लिए क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जो भी ये मेडिकल कॉलेज है या फिर जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको जाना पड़ रहा है, यही तो हो रहा है ना। और वहाँ पे भी आप जानते हो कि कितने सारे केसेस हैं, तो आपको बड़ी प्रोटेक्शन के साथ में जाना पड़ता है, राइट। अब क्या हुआ है, मुंबई के अंदर यहाँ पे दादर नाम की जो जगह है उन्होंने क्या किया, एक पार्किंग बनाई है, ठीक है। आप आइए अपनी गाड़ी में बैठ के, अपनी गाड़ी में ही बैठे रहिए और आपको वैक्सीनेट किया जाएगा, आपको क्या किया जाएगा, वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन स्पेशली ये 45 प्लस वालों के लिए लॉन्च अभी किया गया है और पूरे इंडिया के अंदर पहला ऐसा ये प्लेस बन गया है जहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। सपोज करो ये गोलू है, ठीक है, अब गोलू को कोरोना हो गया, कसम से कभी ना हो बेचारे को, गोलू को कोरोना हो गया। अब गोलू ने सोचा यार मैं कैसे जाऊं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बड़ी दुविधा में बेचारा फंसा हुआ है। तो अचानक से इसको याद आया कि ऐसा मुंबई के अंदर शुरू हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपनी कार लेके जाएगा। कार को लेके जाना है कहाँ पे, जो इन्होंने पार्किंग लॉट बनाया है जिसका नाम क्या है, कोहिनूर पार्किंग। क्या नाम है, कोहिनूर पार्किंग। कोहिनूर पार्किंग में जाएगा दादर में और वहां पे जाके ये अपना वैक्सीनेशन कराएगा। कैसे, वहां पे भैया पार्किंग है तो आपको पहले अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, आपको अपने नंबर का वेट करना पड़ेगा और जब आपका नंबर आएगा तब यहाँ पे आपको वैक्सीनेट किया जाएगा। आपको गाड़ी से उतर के बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन तो पहले ही हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसमें यह भी बोला जा रहा है कि अगर कोई बहुत ज्यादा ओल्ड एज का है तो अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया है तो भी उसको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ है। अब आप कहेंगे कि मैम गाड़ी पार्क करनी है तो पैसा भी तो देना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें क्या बोला गया है, 60 रुपीज पर आर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और अभी तक का जो डेटा आया है उसमें ये बताया गया है कि करीबन 417 लोग ऐसे हैं जिनको क्या किया जा चुका है, क्या पर्सन्स को वैक्सीनेट किया जा चुका है कार के अंदर। तो ये बड़ा ही अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट है जो स्टार्ट किया गया और ऐसा होना चाहिए, बाकी जगह पे भी कुछ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, और हाँ आज लाइव सेशन नहीं हो रहा है तो कैसा वाला फील आ रहा है वो भी लिखते जाना कमेंट में, क्योंकि देखेंगे तो हम आई। और हाँ एक चीज़ और, अपने नोट्स बनाते चलिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कई बार नेट है अटक जाता है और लखनऊ का मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो अपना कल का क्लास 7 बजे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने जा रहे हैं बट फिर भी एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर जरूर मार देना, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये दिखाया गया है पहली बार कोरोना का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ढूंढा गया। लेकिन आप कहेंगे कि मैम इससे क्या हमें फर्क पड़ रहा है, अरे भैया सुनो काम की बात तो यहाँ से है। कल काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे N440K के मैम क्या है, ये एक्चुअली एक नया वेरियंट मिला है, दिस इज अ न्यू वेरिएंट। और ये जो नया वेरिएंट पाया गया है यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। और ये कहाँ पे पाया गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर इसके केसेस पाए गए हैं। खतरनाक का मतलब क्या है, यहाँ पे खतरनाक का मतलब ये है, जैसे कि मान लो जैसे पहला वाला म्यूटेंट था या दूसरा वाला म्यूटेंट था या तीसरा वाला म्यूटेंट था, इनमें क्या होता था, इसके अंदर हाइपोक्सिया की जो कंडीशन आती थी उसको आने में 4 से 11 दिन का समय लग जाता था। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम आना, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो सांस लेने में दिक्कत होना। तो इसमें क्या होता था, 4 से 11 दिन का समय लग जाता था, है ना, तब तक इंसान बिल्कुल ठीक रहता था, बिल्कुल प्रॉपरली काम करता था। लेकिन अब ये वाला जो वेरिएंट आया है इसको बोला जा रहा है कि ये 15 टाइम्स मोर खतरनाक है, किससे, इन सब से। यानी कि जहां पर 10 दिन का समय लगता था हाइपोक्सिया की कंडीशन के लिए पहुंचने में, वहीं पर यहां 3 दिनों के अंदर ही आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी बॉडी में म्यूटेंट 1, म्यूटेंट 2 या फिर म्यूटेंट 3 गया होगा तो उसको तो फिर भी वो थोड़ा सा बेटर होने की कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी की बॉडी में N440K गया है तो समझ लीजिएगा उसके लिए मुसीबतें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि वो 15 टाइम्स मोर इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू दिस। और ये भी बता दें आपको कि ये कौन से स्टेट में पाया गया है, आंध्र और तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की कमी होना। तो अगर ऑक्सीजन की कमी होती है इस केस में तो वो 3 दिन के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी इसमें बोला जा रहा है कि इसमें बचने की जो आशंकाएं हैं वो 99% नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया। बट इसमें डरने की जरूरत नहीं है आपको, तो भाई जब आप बाहर जाएंगे अगर किसी काम से भी बाहर जा रहे हैं तो आपको फुल प्रोटेक्शन के साथ में जाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो फिगर देख रहे हो इसको अभी हाल ही में बनाया गया था, ठीक है। अच्छा
अर्ली न्यूज जुड़ी हुई है यहाँ पे फिर से महाराष्ट्र के साथ में। महाराष्ट्र के अंदर जो मराठास के रिजर्वेशन की मांग काफी टाइम से चल रही थी, इसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आइए जरा बात करते हैं कि हुआ क्या। देखिए, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है हु कैन रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है। आप बोलेंगे मैम ये तो सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट हटा देगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो पूरा चैप्टर ध्यान से तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बोथ पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट से पूरा प्रोसेस चलेगा और प्रेसिडेंट का फाइनल डिसीजन आता है किसको हटाने के लिए, इनको, क्योंकि भैया इनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको हटाएगा कौन, प्रेसिडेंट इनको हटाएगा, ठीक है। और अभी हाल ही में जो अपॉइंट किए गए हैं एज अ CGI वो कौन है, एन रमन जी को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। किसकी जगह पर आए हैं, SA बोबडे अंकल की जगह पर इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया। चलो ठीक है, आओ अब पूरी कहानी समझते हैं कि ये मराठा आरक्षण की कहानी थी क्या। ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर आप जानते हैं कि मराठी लोग रहते हैं। शिवाजी महाराज का आपने नाम सुना ही होगा, उन्होंने इस पूरी डायनेस्टी की शुरुआत करी थी, फिर यही आगे चल के महाराष्ट्र बना था। तो मराठी लोग जो यहाँ पर रहते हैं महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पे महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि इन लोगों को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं उनको आप क्या कर दीजिए, रिजर्वेशन दे दीजिए। ऐसा किसने बोला, महाराष्ट्र की सरकार ने बोला। सोशली और एजुकेशनली का मतलब क्या हो गया, अगर वो समाज में बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में अगर उनके पास में शिक्षा नहीं है तो उनको भी आप क्या करो, रिजर्वेशन दे दो, ठीक है। जब यहाँ पे ये बात कही गई तो यहाँ के हाई कोर्ट ने तो इसको अप्रूवल दे दिया, लेकिन ये जो मुद्दा था ये उठ गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब आप कहेंगे कि जब हाई कोर्ट ने पास कर दिया देन वाई सुप्रीम कोर्ट, अब सुनो। देखो एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस सुनाया था 1992 में, तो वहाँ पे अपना एक जजमेंट दिया था, ठीक है। और उस जजमेंट की अगर हम बात करें तो पहले तो ये जानते हैं कि वो केस का नाम क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इंदिरा सहाय केस। कौन सा केस था, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इंदिरा सहाय केस था, कब, 1992 में। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी राज्य एनी स्टेट अपने यहाँ पे रिजर्वेशन देता है, आरक्षण देता है, तो उसकी जो लिमिट है वो 50% के ऊपर नहीं जानी चाहिए। मतलब 50% इज द लिमिट, इसके ऊपर कोई भी राज्य रिजर्वेशन नहीं दे सकता। लेकिन आप तमिलनाडु देख लो, 62%, 69%, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन इसके हिसाब से कहा गया था कि भैया दिस इज द लिमिट, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर यहाँ पे रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात बोली जा रही है तो पहले रिजर्वेशन कितना था, पहले तो हम वो जानते हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने मना क्यों कर दिया। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर इन लोगों के पास में पहले से रिजर्वेशन है, और अगर मान लीजिए कि इस रिजर्वेशन को ये बढ़ाने की बात जो कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा था महाराष्ट्र सरकार ने कि हम चाहते हैं कि कम से कम 16% जो रिजर्वेशन है उसको आप बढ़ा दीजिए। तो अगर सपोज करो कि यहाँ पे 52% रिजर्वेशन पहले से है मराठाओं के लिए, और अगर 16% भी इसमें जोड़ दिया जाएगा तो समझ रहे हो कितना है। और सच्चाई यही है कि यहाँ पे इन लोगों के पास में ऑलरेडी 52% रिजर्वेशन है, बस इनके रिजर्वेशन को और बढ़ाने की मांग करी जा रही थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ऐसे थोड़ी ना चल पाएगा, अब यहाँ पे 52 में अगर आप 16 एड ऑन कर देंगे, सपोज करो अगर आपने एड ऑन कर भी दिया तो ये कितना हो जाएगा, इतना परसेंट, भैया इतनी सीटें तो ऐसे ही रिजर्व हो गई। और उसके अलावा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो एक अमेंडमेंट किया गया था उसमें कहा था कि 10% जो सीटें हैं जनरल कैटेगरी की वो भी रिजर्वेशन, तो उसको भी यहाँ पे जोड़ लो। तो भैया ये तो ऐसे ही चला गया, बचा कितना, तो जो बचा उसमें क्या होगा बाकी लोगों का, कुछ नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब ये चल नहीं पाएगा, हम इसको किसी भी तरीके से अलाउ नहीं करेंगे। चलो ठीक है, मान लिया। अब क्या हुआ, महाराष्ट्र तो सवाल करेगा ही करेगा ना, तो महाराष्ट्र ने कहा सुप्रीम कोर्ट से, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो महाराष्ट्र ने जब ऐसा कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, तो इन्होंने कहा कि एक गायकवाड कमेटी बनाई जब गई थी तो इस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन जो है वो स्टेट अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन इसके अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप रिजर्वेशन को 50% से ऊपर एक्सीड कर सकते हैं। तो यही जो मुद्दा था, इसी मुद्दे के ऊपर 5 जजेस की जो बेंच बनाई गई थी उन्होंने क्या किया है, अपना पूरा का पूरा जो न्याय था वो सुना दिया है। और ये ध्यान रखिएगा कि 5 जजेस की बेंच ने ये अपना डिसीजन सुनाया है, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि किसको यहाँ पे रिजर्वेशन की बात हो रही है, कौन सी कमेटी है,
कौन सा केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और किसको एक्सीड नहीं कर सकता, ये सारी बातें आपसे पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है। अच्छा आ जाओ बताओ, वैक्सीनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, कौन सा स्टेट ऐसा है जो कह रहा था कि वैक्सीनेशन जो है वो रिजर्वेशन के बेसिस पे होना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसा बोला था। दूसरा, 75% जो सीटें हैं पब्लिक जॉब्स के अंदर वो किसके लिए रिजर्व करी गई हैं, भैया ऑब्वियसली बात है लोगों के लिए रिजर्व करी गई हैं, और ये जो रिजर्वेशन किया गया है ये ध्यान रखिएगा प्राइवेट जॉब्स के लिए किया गया है, कहाँ कहाँ पे, हरियाणा के अंदर और झारखंड के अंदर। वैसे ऐसा जो है आंध्र प्रदेश भी पहले कर चुका है, इसमें कोई नई बात नहीं थी, आंध्र भी पहले कर चुका था। अगला, मंडल कमीशन की बात करो, मंडल कमीशन क्या है, ये ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात करता है, 27% की बात करता है। इसको कब बनाया गया था, तो 1 जनवरी 1979 में इसको बनाया गया था, और इसके अंदर क्या कहा गया था, 27% रिजर्वेशन, और ये कब बना था, मोरारजी देसाई जी के समय पर इसको बनाया गया था। और ये ध्यान रखना, मंडल कमीशन जो रिजर्वेशन की बात करता है वो सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में बात करता है। अगला, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन अभी हाल ही में बोला गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि जो जनरल कैटेगरी के अंदर लोग आते हैं उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा, ये रिजर्वेशन की जो बात आई है इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट है, 103 नंबर का अमेंडमेंट है जो कि किया गया था 2019 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज पे आ जाओ, ये देखो यूपी के अंदर कुछ नया कारनामा। यूपी के अंदर अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने अटल बिहारी वाजपेयी हॉस्पिटल का शुभ आरंभ किया है। आइए बात करते हैं, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ इनोग्रेटेड द अटल बिहारी वाजपेयी हॉस्पिटल इन विच प्लेस, यानी कि इनके द्वारा इसका जो शुभ आरंभ किया गया है, जो उद्घाटन किया गया है वो कौन से शहर में किया गया है, इसका आंसर बनेगा लखनऊ के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। आओ जरा बात करते हैं हुआ क्या है। देखिए आपको याद होगा कि जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने काफी लंबे समय से बोला हुआ था कि हम क्या करेंगे, इंडिया की हेल्प करेंगे ये जो कोविड क्राइसिस चल रहा है इससे निपटने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, डीआरडीओ के साथ में जब इन्होंने टाई अप किया तो डीआरडीओ ने अब यहाँ पे 450 बेड का एक हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया है, और इस हॉस्पिटल का नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। बहुत अच्छी बात है। अभी इसमें 450 बेड हैं, लेकिन बोला जा रहा है कि इसको 500 कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें आपको आईसीयू बेड भी मिलेंगे, वेंटिलेटर्स भी हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई भी है, सारी सुविधाएं यहाँ पे पहुँचाई गई हैं। ये लखनऊ के अंदर लॉन्च किया गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसकी सहायता से, डीआरडीओ की सहायता से इसको लॉन्च किया गया है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि डीआरडीओ ने ये तो चलो ठीक है काम कर दिया, लेकिन डीआरडीओ ने इससे पहले भी अगर आपको याद आ रहा हो तो 900 बेड वाला एक और हॉस्पिटल जो है वो कहाँ पे खोला था, गुजरात के अंदर, कहाँ पे, गुजरात के अंदर। और इसके अलावा डीआरडीओ ने एक और ये हॉस्पिटल खोला था किसके नाम पे, सरदार पटेल जी के नाम पर, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने कि डीआरडीओ कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि डीआरडीओ के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं डिफेंस में, तो अगर आपसे पूछा जाए तो एटलीस्ट आपके पास में जवाब होना चाहिए, ठीक है। अच्छा लखनऊ आया है तो भैया कुछ बात कर लो लखनऊ के बारे में। लखनऊ जो है वो यूपी की कैपिटल है और ये गोमती नदी के किनारे आपको मिलेगा। यहीं अगर आप देखेंगे तो जो चिकनकारी है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है। चिकनकारी खाने की बात नहीं कर रहे हैं, कपड़ों की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, लखनऊ के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में हुनर हट का आयोजन भी किया गया था, और ये जो हुनर हट का आयोजन हुआ था ये बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर किया गया था। इसके अलावा गुड़ महोत्सव जो है या फिर गुड़ फेस्टिवल जो है वो भी यहीं पर सेलिब्रेट किया गया था। तो इतनी बातें आपको लखनऊ के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अच्छा अब देखते हैं, सबसे पहला पटेल हॉस्पिटल जो बनाया गया था वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया, दिल्ली के अंदर बनाया गया। यहीं दिल्ली के अंदर आपको प्लाज्मा बैंक भी देखने को मिलेगा। प्लाज्मा बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक इसी जगह पर बनाया गया था। 900 बेड अभी हाल ही में इन्होंने कहाँ पे बनाए थे, गुजरात के अंदर उसको डेवलप किया गया था, और उसके अंदर भी सारी फैसिलिटीज थी, ऑक्सीजन सिलेंडर एवरीथिंग सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई थी। अगला, पटेल जी का जो स्टैचू है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, गांधीनगर में, अरे नहीं, गुजरात के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है और गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। ये जो पटेल जी का स्टैचू बना है ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिलेगा, जहाँ पे केवड़िया नाम की जगह है, और ये जो नर्मदा है ये क्या है, रिवर है, और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ है, क्या नाम है जिसका, साधु बेट आइलैंड।
ये जो आइलैंड बना है ना, इसी आइलैंड के ऊपर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। इसकी अगर हाइट पूछी जाएगी 182 मीटर्स इसकी हाइट है। अभी तक तो यही टॉलेस्ट है, लेकिन जब भगवान श्री राम की मूर्ति बन के तैयार होगी तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊँचा माना जाएगा। अगला पॉइंट, अगर SCU के अंदर एट्थ वंडर की बात करी जाए कि आठवें नंबर पे कौन सा वंडर है जिसको जोड़ा गया है, तो वो भी कौन सा हो जाएगा, यही पटेल जी का स्टैचू है। ठीक है, अगला, पटेल कॉम्प्लेक्स कहाँ है, कुछ याद आया, मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के अभी हाल ही में मोदी स्टेडियम किया गया है, बट ये ध्यान रखिएगा उसकी जो कॉम्प्लेक्स वाली बिल्डिंग है, स्टेडियम का जो कॉम्प्लेक्स है, उस बिल्डिंग का नाम अभी भी क्या है, पटेल कॉम्प्लेक्स रखा गया है। तो इतनी चीजें हो गई इस क्वेश्चन से, राइट। अच्छा, ऑपरेशन को जीत, अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है, एक्चुअली कल ही इसको लॉन्च किया गया है, तो ज़रा बात करते हैं कि ये ऑपरेशन क्या है। देखिए, सवाल में पूछा जा रहा है कि को जीत जो ऑपरेशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, एंटी COVID-19 एफर्ट्स, COVID-19 के जो केसेस होते जा रहे हैं उसके अगेंस्ट इसको लॉन्च किया गया है। अब आपसे सवाल में पूछा जा रहा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कोई ना कोई तो होगा ना, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, आर्म्ड फोर्सेज है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, या फिर एविएशन है। इसका आंसर हो जाएगा आर्म्ड फोर्सेस। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या है ये कोजीत, कोजीत का मतलब क्या है, कोरोना के ऊपर जीत, जैसे कि स्प्यूटनिक 5। अब देखो, कुछ बच्चों ने पूछा कि मैम ये 5 लिखा है क्या, बेटा देखो हम इसको पढ़ेंगे 5, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वैक्सीन। आप कहीं पर भी देख लोगे इसका प्रोनंसिएशन, ये आपको स्प्यूटनिक 5 ही बोला जाता है, बट ये ध्यान रखिएगा ये जो वी बना है ये 5 रोमन नंबर वाला नहीं है, इस 5 का मतलब क्या है, वैक्सीन है। ठीक है, अच्छा, ये कोजीत जो है ये आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा लॉन्च किया गया, इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको रोज़ बोलती रहती हूँ स्टे एट होम बी पॉजिटिव, बस वही बातें इन्होंने बोली हैं। क्या है कि जितने भी कोरोना से पीड़ित लोग हैं जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं तो पहुंचाएगा, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, ICU बेड्स हो गए, प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करना, प्रॉपर इंजेक्शंस प्रोवाइड करना, वो तो सब करेगा, लेकिन साथ में उनको सांत्वना भी देगा कि आप जल्दी सही हो जाएंगे, 4 दिन में 5 दिन में 10 दिन में, ये सारी बातें करने के लिए यहाँ पे क्या किया है, आर्म्ड फोर्सेस ने इसको स्टार्ट किया है। जस्ट टू बिलीव इन गॉड, जस्ट टू बिलीव इन योरसेल्फ, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया। अब सवाल यहाँ पे ये आएगा कि इसको हेड कौन कर रही है, तो यहाँ पे नाम आपको नजर ही आ रहा है लिखा हुआ, तो माधुरी जी जो हैं, माधुरी कनेटकर, इनके द्वारा इसको हेड किया जा रहा है, और ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नाम भी आगे लिखा हुआ है, तो इनके द्वारा इसको हेड किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है, तो क्या ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है? जी हाँ, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए लॉन्च किया गया, ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है, ये पूरे इंडिया के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, अच्छा, अब देखो कल मैंने आपको कुछ पॉइंट्स पूछे थे, क्या था, पुटोला नाच, ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है अवेयरनेस के लिए, आसाम के अंदर, ₹5,000 एड के रूप में ऑटो रिक्शा चालकों को और जो बाकी मजदूर वगैरह हैं उनको दिया जाएगा, कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर, केजरीवाल जी ने ये अनाउंसमेंट किया था। प्लाज्मा बैंक इंडिया का सबसे पहला कहाँ पे बना है, दिल्ली के अंदर इसको बनाया गया है, और प्रोजेक्ट प्लैटिना जो स्टार्ट किया गया था ये कहाँ हुआ था, ये पुणे के अंदर स्टार्ट किया गया था, पुणे क्या कह लो, एक्चुअली अब तो पूरे महाराष्ट्र में हो गया, मुंबई नागपुर सब जगह पे इसको स्टार्ट कर दिया गया। अगला, गोपा बंधु स्वास्थ्य बीमा योजना, कुछ याद आया, ओडिशा के अंदर इसको लॉन्च किया गया, और यहाँ पे जब लॉन्च किया गया तो ये जर्नलिस्ट के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि जितने भी जर्नलिस्ट हैं, देखो जर्नलिस्ट का क्या होता है भाई, लाइव जाना होता है उनको, मतलब कोई भी रिपोर्ट कवर करनी, ऐसे आपने अभी देखा था रोहित सरदाना सर, उनको भी इसी वजह से कोरोना हुआ था, क्योंकि वो किसी न्यूज़ को कवर करने गए हुए थे, तो ये जर्नलिस्ट के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा, आपको हेल्थ कवर दिया जाएगा, कितने का, ₹2,00,000 का, और ये स्कीम कब आई थी, 2018 में आई थी, उसी के अंदर इसको जोड़ दिया है, कहाँ पे, ओडिशा के अंदर। अगला, फ्री वैक्सीनेशन किसके लिए, जर्नलिस्ट के लिए, ये कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये UP के अंदर लॉन्च किया गया है। जर्नलिस्ट को तो लगेगी ही वैक्सीनेशन, साथ में उनकी जो फैमिली है जिनकी एज 18 के ऊपर है, उनकी फैमिली मेंबर में, तो उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा यूपी के अंदर, राइट। चलो अगली न्यूज, फिलिपिनो, इनको अभी हाल ही में एक अवार्ड मिला है, UN प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है। आइए बात करते हैं, सोच रही हैं मेरी तरह, सोच विचार में लगी हैं, मुझे लगता है जूम कॉल पे हैं ये भी, आइए जरा बात करेंगे। हाँ, नोट्स तो बनते जा रहे हैं ना, टेंशन मत लेना, कल अपन लोग लाइव आएंगे, जैसे कि हमेशा सुबह 7 बजे क्लास होता है, थोड़ी सी दिक्कत की वजह से आज पता नहीं क्या यार, सुबह सुबह कभी कभी हो जाता है कि दिन खराब हो ही जाता है, क्या कर सकते हैं, राइट। और हाँ, कल के जो क्लासेस का शेड्यूल है वो एक बार से क्लास के आखिरी में ज़रूर देख लीजिएगा। ओके,
सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में किसको यूनेस्को, ध्यान से, गुलेरमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मारिया रेसा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन बाकी नाम भी तो देखने पड़ेंगे ना। ये क्या है भैया, बीआरओ के अंदर अभी हाल ही में इनको हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। कहाँ पे? इंडो चाइना वाला जो एरिया है वहां पे अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। अगला, रॉबर्ट इरविन, ये कौन है? इनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। वहां की वाइल्ड फायर को इन्होंने क्या किया था? कवर किया था। अब देखो, बात करेंगे इस अवार्ड के बारे में, ये अवार्ड है क्या। पहला पॉइंट तो समझिएगा कि प्रेस फ्रीडम आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं ये जर्नलिज्म के बारे में बात करेगा, कहीं ना कहीं ये प्रेस की फ्रीडम के बारे में, तो ऑब्वियसली बात है बात करेगा ही करेगा। अब सुनो, ये जो अवार्ड है देता कौन है? यूनेस्को देता है, पहला पॉइंट, ठीक। अब ये अवार्ड दिया किसके नाम पे जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है गुलेरमो कानो के नाम पे दिया जाता है। ये कौन थे? एक्चुअली ये बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट थे, और जर्नलिस्ट अगर कोई भी पर्सन था तो ऑब्वियसली बात है कि उसके ऊपर तो आपसे न्यूज़ पूछी जा सकती है। तो ये क्या थे? जर्नलिस्ट थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? ये कोलंबिया से बिलोंग करते थे। इन्हीं को ऑनर देने के लिए, इन्हीं की याद में इनको सम्मान देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की अगर आप बात करोगे तो भाई ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। और इसके अंदर इंडिया की कितनी साइट्स हैं? इतनी, और ग्वालियर और ओरछा ये जोड़ी गई हैं किसमें? सिटीज़ की लिस्ट के अंदर इनको एड ऑन किया गया। अब ये तो बात हो गई कि इनको ये अवार्ड मिला, लेकिन क्यों मिला इनको ये वाला अवार्ड? इनको ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है डिफेंस के सेक्टर में, और प्रेस की फ्रीडम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर आपसे कहा जाए प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी थी? 142। और ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको जारी किया जाएगा, ठीक है। इंडिया की रैंक याद रखना, और नंबर 1 पे जो कंट्री है वो कौन सी है? दैट इज नॉर्वे। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, ओके। अच्छा, अब आ जाओ जरा कुछ सवालों पे। क्या पूछा जा रहा है आपसे? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये अवार्ड अभी हाल ही में श्यामला गणेश जी को दिया गया था। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये अवार्ड कौन सी कंट्री के द्वारा दिया जाता है? आंसर हो जाएगा जापानीज या फिर जापान की कंट्री के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। शिंजो आबे जी की बात करोगे तो आप मुझे बताओ कि अभी हाल ही में इनको पद्म विभूषण मिला है या पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? कमेंट बॉक्स में लिखते चलना। जानते हो क्लास जब चलती है तो मेरी नजरें तुम लोगों के कमेंट पे रहती रहती है। अगला सवाल, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, किसको ये अवार्ड दिया गया? तो कृति कारंत, सॉरी क्या नाम है, करंथ को ये अवार्ड दिया गया है। या आपको याद होगा कि ये भी कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये भी बेंगलुरु के अंदर ही आप देखेंगे, तो ये साइंटिस्ट हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, ई पंचायत अवार्ड किसको मिला था अभी लेटेस्ट? देखो, पंचायती दिवस कब था? 24th को था, 24th of April को था, उसी दिन यहाँ पे अवार्ड मिला था। किसको? यूपी को ये अवार्ड दिया गया था। अगला, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 किसको दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा रुमाना सिन्हा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती भैया, एक और नया अवार्ड शुरू हो रहा है। वो क्या है? यहाँ पे मनोज दास जी के नाम पर एक अवार्ड स्टार्ट होने जा रहा है ओडिशा के अंदर, और ये अवार्ड स्टार्ट करने की बात किसने बोली है? यहाँ के CM नवीन पटनायक जी ने ये बात कही है। नवीन पटनायक जी को आपको याद होगा पेटा अवार्ड से सम्मानित भी किया है, हीरो टू एनिमल अवार्ड, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये मनोज दास जी हैं कौन, ये कौन है? ये काफ़ी बड़े ऑथर थे, ठीक है, और ये पोएट भी थे। अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है 27th of April को, और ये कितने साल के थे? 87 ईयर्स के थे। इन्हीं की याद में अब क्या होगा? एक अवार्ड दिया जाएगा, और इनके ही नाम पर एक मेमोरियल भी बनाया जाएगा। जो मेमोरियल बनेगा वो बालासुर के अंदर बनेगा, क्योंकि वो इनकी बर्थ प्लेस है ओडिशा के अंदर। और ये जो अवार्ड दिया जाएगा इसके अंदर कितना पैसा दिया जाएगा? तो 1,00,000 रुपए कैश के फॉर्म में अमाउंट दिया जाएगा। कितना? 1,00,000 रुपए कैश के फॉर्म में दिया जाएगा। अच्छा, इस अवार्ड का नाम क्या होगा? इंटरनेशनल लिटरेसी अवार्ड के नाम से इसको जाना जाएगा। 2 भाषाओं में दिया जाएगा, उड़िया लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये याद रखिएगा। जैसे कि कई बार होता है ना, साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 में, जिसमें से 22 तो आपकी 8th शेड्यूल वाली हो गई,
और इंग्लिश और राजस्थानी इन दोनों को भी एड ऑन किया जाता है। तो ये क्या करना है आपको याद करके रखना है कि इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड किसको मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलता रहेगा, अभी फिलहाल सिर्फ अनाउंसमेंट किया गया है। ओके हाँ जी, कंफर्मेशन आ चुका है, हैदराबाद जू के अंदर सच में इनको कोविड हुआ था, कोई मजाक की बात नहीं है भैया। अभी तक तो ये हो रहा था कि इंसानों से इंसानों में हो रहा था, अब खतरनाक बात ये हो गई है कि हमारे इंडिया के अंदर जो एशियाटिक लाइंस हैं 8 हैं, जिनको क्या हो गया, कोरोना हो गया। आओ बात करते हैं, अराउंड 8 एशियाटिक लाइंस कहाँ पर, नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि हैदराबाद में, उनको कोविड हो गया, बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के अंदर ये जो वायरस है ये जानवरों में भी देखने को मिला है, बिल्कुल सही लिखा है। इसका आंसर क्या है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आइए जरा बात करते हैं, देखो ओ माई गॉड, है ना यार, ये तो आज लाइव ही क्लास होना चाहिए था, शानदार लाजवाब टाइप का है ना। चलो अच्छा कोई बात नहीं, कई बार होता है, तुम तो जानते ही हो कि जब ये क्लास लाइव नहीं होता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे मालूम है, बट वॉट टू डू, क्या कर सकते हैं, कई बार होता है कि चीज़ें हो जाती हैं बट हम चाहते नहीं है, है ना। चलो कोई बात नहीं, चलो आते हैं भैया पॉइंट पे, सुनिएगा यहाँ पे क्या हुआ है। एशियाटिक लाइंस, हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर एशियाटिक लाइंस जो हैं काफ़ी सारी जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क है, इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी जगह हैं, वेस्ट बंगाल में भी पाए जाते हैं। अब हुआ क्या है देखिएगा और समझिएगा इस बात को, कोरोना का जो वायरस है यानी कि SARS-CoV-2 जो है, अभी तक इसको बोला जा रहा था कि ये एयरबॉर्न है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है, ठीक है सबको पता था, कुछ नया नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ है, हैदराबाद के अंदर ये जो नेहरू जू है इसके अंदर 8 एशियाटिक लाइंस को क्या हो गया, कोरोना हो गया, समझे। और इनको जो अभी कोरोना हुआ है जिसके चलते इस पूरे एरिया को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, सीज कर दिया गया, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अब विजिट नहीं कर सकता। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा था तो कोई कहाँ जाएगा ही, लेकिन अब पॉइंट आता है इसके बारे में कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है, जी हाँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये केसेस इनके अंदर पाए गए हैं। अब क्या इससे पहले कभी हुआ था, जी हाँ हुआ था, आपको याद होगा न्यूयॉर्क के अंदर 2020 में एक नेशनल पार्क बना हुआ था, वहां पे कुछ ऐसे लाइंस वगैरह थे जिनको ये हुआ था, लेकिन उस टाइम पे इसको थोड़ा सा फोकस नहीं किया गया और हम लोगों को लगा कि यार ये तो होता रहता है। तो जू का नाम क्या था, ब्रॉन्क्स जू, कहाँ पे था, न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ पे एनिमल्स के अंदर भी ये केसेस पाए गए थे। अब इंडिया के अंदर ये पाए गए, चलो ठीक है इंडिया के अंदर तो ये केसेस पाए गए, लेकिन अब हमें यहाँ से क्या क्या बातें याद रखनी, पहले हम वो जानते हैं। लिखो पहले नेहरू जू के बारे में एक दो पॉइंट लिख लो, ये कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इसकी लोकेशन आपको मिलेगी। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको सबसे पहले ओपन कब किया गया था जनता के लिए, तो आंसर हो जाएगा 1963 में इसको ओपन किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ से आता है कि IUCN की लिस्ट के अंदर ये जो एशियाटिक लाइंस हैं ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो ये इनडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात के अंदर, वहाँ पे एशियाटिक लाइंस ही पाए जाते हैं और यहाँ पे आपको बन्नी ग्रास लैंड देखने को मिलेगा। बन्नी वाला गाना ना गाने लगना, ये ग्रास लैंड है, घास का मैदान है जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। ये देखा तुमने, ये वाली जो घास ये दिख रही है ना, घास ग्रीनिश, ये क्या है, ये बन्नी ग्रास लैंड है। ओके चलो अच्छा अब आते हैं अगले पॉइंट पे, ये तो चलो मैंने आपको बता दी चीज़ें, लेकिन अभी इसमें ये भी ध्यान रखना कि पता तो चल गया है कि कहानी यही है, लेकिन अभी इनके ऊपर क्या वैक्सीन देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया। चलो आगे देखते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर नेशनल पार्क के अंदर अभी हाल ही में कौन से नेशनल पार्क को जोड़ा गया है, तो पन्ना नेशनल पार्क जो कि MP के अंदर है। दूसरा, नाइट सफारी कहाँ शुरू हुआ, MP के 3 नेशनल पार्क हैं, सबसे पहला कान्हा हो जाएगा, इसके बाद में पेच है और बांधवगढ़ है, ये 3 नेशनल पार्क हैं जहाँ पे इसकी शुरुआत करी गई है। लाइन सफारी कहाँ पे, तो आपने सुना होगा इटावा के अंदर आपको लाइन सफारी की लोकेशन मिलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, RBI ने अभी हाल ही में कुछ अनाउंसमेंट किया है। देखो सभी लोग कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, जैसे कि हमारी आर्मी है, हमारी नेवी है, हमारा एयरफोर्स है, सभी लोग कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कहीं पे समुद्र सेतु 2 चल रहा है, कहीं पे ऑपरेशन ऑक्सीजन चल रहा है, कहीं पे आप देखेंगे तो रेलवे ने भी स्टार्ट किया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो इन्होंने सोचा हम काय को पीछे रह जाए भैया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 50,000 करोड़ रुपए दिए, किसको, पीएम केयर फंड को। अरे नहीं यार, आ जाओ बात करें, देखिए सर ओ स्मिथ सबसे पहले गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, बिल्कुल सही है, इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं लिखा है तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि 1935 की अगर हम बात करें, तब से लेके अभी तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक भी बार कोई विमेन गवर्नर नहीं बनी है, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आओ बात करते हैं, देखिए इन्होंने अनाउंसमेंट तो बहुत सारे किए,
बट जो अनाउंसमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम सिर्फ उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो एक बार से ज़रा मैं यहीं पर आपको बता दूँ कि कौन कौन से अनाउंसमेंट इनके द्वारा किए गए। देखिए हुआ क्या है, जो शक्तिकांत दास जी हैं, कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और 10 बजे ये अनाउंसमेंट किया गया। क्या कहा है इन्होंने, बोला कि 50,000 करोड़ रुपए जो हैं ये मैं क्या करूंगा, दूंगा। किसको दूंगा? इंसानों को ही दिए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये डायरेक्टली किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे। ये पैसा बैंकों के लिए रिलीज किया जाएगा। क्यों? जैसे कि मान लो गोलू है ना, अब गोलू के पास में थोड़ा बहुत तो पैसा है, लेकिन गोलू क्या करना चाहता है, गोलू एक ऑक्सीजन सिलेंडर को या ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कोई काम करना चाहता है, या मान लीजिए कि कोई मेडिकल शॉप खोलना चाहता है, या मान लो कि कोई फैसिलिटी किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना चाहता है, तो इसके लिए गोलू को क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। तो गोलू क्या सोचेगा, गोलू कहेगा कि बैंक जाता हूँ, बैंक से जाके पैसा ले लेता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता ना, बैंक कह देती कि हमारे पास में पैसा नहीं है, इस काम के लिए हमारे पास में पैसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो यहाँ पे RBI ने कहा है कि अब अगर कोई भी व्यक्ति बैंकों से पैसा लेने के लिए आता है, मेडिकल सर्विसेज के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, या फिर किसी भी काम के लिए जो कि हेल्थ के अंदर कवर होता है, तो उसके लिए बैंक अब उसे मना नहीं करेगा, गोलू को लोन दिया जाएगा, ऐसा बोला है RBI ने। तो ये जो पैसा है, ये पैसा बैंकों को एलोकेट किया गया है ताकि यहाँ से पैसा निकाल के वो क्या कर पाएं, लोगों को लोन के रूप में दे पाएं। अब आप कहेंगे कि मैम अगर लोन दिया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो इन्होंने कहा है कि जो रेपो रेट है दैट इज 4%, इसी को इन्होंने क्या रखा है, इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, चलो अच्छी बात है। और ये भी कहा है कि ये जो पैसा है ये वैलिड रहेगा कब तक, 31st of March 2022 तक ये वैलिड रहेगा। यानी कि अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी अगर लोन लेने आता है इन सब चीज़ों के लिए, तो उसे लोन प्रोवाइड किया जाएगा, अब उसे मना नहीं किया जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये पैसा डायरेक्टली किसी पर्सन को नहीं बल्कि बैंकों के लिए रिलीज किया गया है, सो दैट हर एक बैंक के पास में क्या हो सके, पैसा हो सके, और वो क्या कर पाएगा, वो यहाँ से इसका इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, चलो ये मैंने आपको बात बता दी इसके बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक, अच्छा अब आ जाओ, देखो नए डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में कौन बनाए गए, आपको पता है 4 लोग हैं, तो यहाँ पे जो नए वाले बने हैं वो कौन है, TR शंकर जी को अभी हाल ही में यहाँ पर अपॉइंट किया गया। अगला माइनॉरिटी की बात करोगे, सॉरी ये होगा, सॉरी यहाँ पे माइनॉरिटी लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, मॉनेटरी होगा। ठीक है, क्या होगा, मॉनेटरी होगा, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो ये RBI के द्वारा बनाई जाती हैं, और RBI 1935 में बना था, 34 में तो एक्ट आया था, 35 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और ये कौन सी भैया कमीशन होगी, हिल्टन कमीशन के कहने पर इसको फॉर्म किया गया था। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, तो फिस्कल पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा बनाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा इसको फॉर्म किया जाता है। ठीक है, आ जाओ, तो ये तो थी, देखो सारी बातें बता दी। अच्छा यहीं पे एक चीज़ और बता दें, वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, आई थिंक 1 मई को ही पढ़ा दिया था, लेकिन यहीं पर मैं इसको रिकॉल करा दूँ। मैंने आपको कहा था कि PM केयर फंड के अंदर बहुत सारी फंडिंग तो आ रही है, लेकिन इसी के साथ में प्रधानमंत्री जो कल्याण योजना है उसके अंदर मैंने कहा था ना कि एक्स्ट्रा ग्रेन दिया जाएगा, एक्स्ट्रा अनाज दिया जाएगा लोगों को, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज अब उन लोगों को दिया जाएगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, तो मैंने आपके लिए सारी न्यूज़ कवर कर दी। यार आज जल्दी खत्म हो गया ना क्लास, आज तुम लोग से बात नहीं कर पाए तो फिर क्लास तो जल्दी खत्म हो ही जाएगा। वेल, दिस इज योर होमवर्क, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। और हाँ, सब्सक्रिप्शन के बारे में ध्यान रखना भैया, आपके पास में ये ऑफर सिर्फ मंडे तक के लिए है, कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल या 2 साल के लिए, तो आपको यहाँ पे फ्री में 2 महीने और 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, UPSC का भी है और SSC का भी है, कोड विल बी Kriti10। और ये ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट मार ले बेटा, कल का शेड्यूल है ये फ्राइडे का, ठीक, और सुबह 5 बजे कल की बता दें, कोविड के ऊपर जितने सवाल बन सकते हैं वो सारे के सारे कल सुबह 5 बजे मिल जाएंगे। 7 बजे अपने लोगों का जैसे कैल होता है, जैसे करेंट अफेयर्स होता है, वैसे ही रहेगा। 10:30 बजे, 2 बजे और 4:30 बजे ये तीनों क्लासेस आपके लाइव होंगे। स्पेशल क्लास कल कोई नहीं होगा, वो सैटरडे को होगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले क्लास में, कितने बजे, 10:30 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।